वी डिस्कस अबाउट फ्लोरोसिस. फ्लोरोसिस क्या होता है अपन आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन में इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर में देखते हैं. बाय द एंड ऑफ द दिस लेक्चर रीड शुड बी अंडरस्टैंड दैट फ्लोरोसिस इज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन मेनली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऑनसेट ऑफ फ्लोरोसिस इज नॉट डिटरमाइंड सिंपली बाय फ्लोराइड बट अ लार्ज नंबर ऑफ एजेंट होस्ट एंड एनवायरमेंट फैक्टर डिटरमाइन इट्स अकर. ऑल दोज फ्लोरोसिस वंस इस्टेब्लिश इज रिवर्सिबल बट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू सिंपल प्रिवेंशन. जो फ्लोरोसिस है जो लॉन्ग टाइम जो फ्लोरिन अपन लेते हैं जो अपने बोन एंड टीथ के लिए फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है उसका अगर अपन सही से टाइम टू टाइम उसको देखभाल नहीं करते या उसके डेवलपमेंट में कोई कमी आ जाती है. जैसे लॉन्ग टाइम जैसे उसको अपन फ्लोरिन की कम मात्रा से डेंटल का जैसे डेंटल कैरीज हो जाती है. ठीक है वाटर देखते हैं हमने. व्हाट इज द फ्लोरोसिस. फ्लोरोसिस क्या है. फ्लोरोसिस एक डिजीज़ है कॉज्ड किसके कारण से. डिपोजिशन ऑफ द फ्लोराइड इन द हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी. जो फ्लोरिन है फ्लोराइड है जो अपने सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू पे बॉडी पे डिपोजिशन हो जाता है. इट इज़ अ नॉट अ मियरली कॉज बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लोराइड बट दीज आर मैनी अदर एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल्स अंडर डिटरमाइन द ऑनसेट ऑफ फ्लोरोसिस इन ह्यूमन पॉपुलेशन. जो इसके कारण है वो एक्सेसिव इनटेक करते हैं अपने फ्लोराइड का जिससे अपने क्या होता है बॉडी के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन ऑनसेट होता है इसके रीज़न अकर होते हैं. इट इज़ अ यूजुअली करेक्टराइज बाय डिसकलरेशन ऑफ द टीथ एंड क्रीपिंग डिसऑर्डर. जिससे क्या होता है जो टीथ के अंदर जो एनिमल होती है वो जो एनिमल पे जो अपने सबसे पहले अगर फ्लोराइड में लक्षण क्या दिखेगा कि जो अपने टीथ है वो वाइट सफ़ेद कलर के जो अपने धब्बे होते हैं दांत के ऊपर वो जम जाएंगे जिसे मॉडलिंग हो जाएगी. और लेटर स्टेज में ये येलो कलर का हो जाएगा. जो एनिमल होता है वो आउटर पाउट जो उसका होता है वो उसमें फाउल स्मेलिंग आने लग जाती है. पोर्स हो जाते हैं जिससे अपने को पिटिंग हो जाता है उसमें धब्बे पड़ जाते हैं. नेक्स्ट वन अपन देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लोरोसिस. वर्ल्ड वाइड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंडेमिक इन 22 कंट्री एशिया एंड इन एशिया इंडिया एंड चाइना वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड. मोस्टली जो इसमें जो कंट्री अफेक्ट होती है जो राज्य भारत के अंदर जो राज्य है जैसे तमिलनाडु हो गया आंध्र प्रदेश कर्नाटका पंजाब इसमें ये ज़्यादा केसेस इसे मिलते हैं. मैक्सिको इज द नॉर्थन एंड एंजाइटा इज द लेटिन अमेरिका ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका आर आल्सो एंडेमिक. फिर यूनिसेफ जो मैप द्वारा फ्लोरोसिस बताया गया है इसमें जो कंट्री है एक्सेसिव अमाउंट इन ड्रिंकिंग जिसमें जो अपने मेक्सिको हो गया एजेंडा हो गया यूनाइटेड हो गया इजिप्ट हो गया इसमें ज़्यादा केसेस मिलते हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इसमें. फ्लोरोसिस इन इंडिया. राजस्थान एंड गुजरात इज़ द नॉर्थ इंडिया एंड आंध्र इज़ द साउथ इंडिया आर द वर्स्ट अफेक्टेड. इसमें ज़्यादा केसेस मिलते हैं. पंजाब हरियाणा एमपी महाराष्ट्र आर द मॉडरेटली अफेक्टेड है इससे फ्लोरोसिस से. तमिलनाडु वेस्ट बंगाल यूपी बिहार आसाम एंड मेनली अफेक्टेड है. थ्रू आउट इंडिया फ्लोरोसिस इज असेंशियल हाइड्रोफ्लोरोसिस एक्सेप्ट इन द पार्ट ऑफ गुजरात एंड यूपी वेयर इंडस्ट्री फ्लोरोसिस इज ऑल्सो सीन इन वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है. जो मैप हैज़ बीन प्रिपेयर फॉर द जियोग्राफिकल पैथोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरो डिस्ट्रीब्यूशन इन द ड्रिंकिंग वाटर. जो अपनी हेल्थ के लिए जो फ्लोरोसिस है उसका जो फ्लोराइड का जो रिच सोर्स मेन सोर्स है वो ड्रिंकिंग वाटर है. जैसे वन लीटर ड्रिंकिंग वाटर में 1 मिलीग्राम फ्लोराइड हो तो अपने लिए ठीक है. अगर इससे इंक्रीज हो जाए फ्लोराइड 3 to 12 मिलीग्राम तक हो जाए तो अपने लिए हानिकारक है ह्यूमन बॉडी के लिए. जैसे फ्लोरोसिस इन इंडिया के अंदर प्रिवेंटेबल स्टेज जैसे डिस्टेंस 1 to 40%, 40 to 60% अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट केस में. नेक्स्ट अपन देखते हैं एपिडेमोलॉजी. मतलब इसमें एजेंट है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है. प्राइमली इन द फ्लोरोसिस विच इज़ द प्रजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर. जो फ्लोरोसिस है वो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर प्रजेंट होता है. वैन फ्लोराइड इन वाटर इज़ मोर देन 1.5
मिलीग्राम पर लीटर इज़ अ टॉक्सिक फॉर द हेल्थ। अगर 1 ग्राम है तो अपने हेल्थ के लिए बेनिफिशियल, अगर 1.5 या 3.12 तक हो जाता है तो इफेक्ट ज़्यादा बॉडी पे होते हैं। तो पीएच इज़ अ टर्म इज़ एल्केलाइन ऑफ द वाटर, प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लोराइड। कैल्शियम इन द डाइट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लोराइड। हार्ड वाटर रिच इन द कैल्शियम रिड्यूस इन द फ्लोराइड टॉक्सिसिटी हो सकती है इससे। जो फ्रेश फ्रूट एंड विटामिन सी ये रिड्यूस इफेक्ट करते हैं फ्लोराइड का। ट्रेस एलिमेंट लाइक ऑलमंड एनहांस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फ्लोराइड। नेक्स्ट अपन देखते हैं होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर के अंदर इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सीन इन डेंटल फ्लोरोसिस, जो स्कूल में जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है डेंटल फ्लोरोसिस। इन थर्ड एंड फोर्थ डिकेड ऑफ द लाइफ सीन अ स्केलेटल फ्लोरोसिस, मेल सफर फ्रॉम देन फीमेल। इलिटरेट सफर फ्रॉम फ्रिक्वेंसी इन द फ्लोरोटिक ब्लेंड वेयर एलुमिनियम और एंड मिक्सड, इट इज़ अ सीन एज ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार। नेक्स्ट वन इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर हाई एनुअल मीन टेम्परेचर, जैसे अपने राजस्थान की जो जलवायु वो गर्म है, लो रेनफॉल, लो ह्यूमिडिटी, प्लेंट नेचर, सब सोइल रॉकेज, वेजिटेबल फ्रॉम हाई फ्लोरिडेट, टूथपेस्ट पर्टिकुलरली वैन यूज इज चिल्ड्रन, ट्रॉपिकली क्लाइमेट, डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें टाइप क्या क्या होते हैं, जैसे चिल्ड्रन के अंदर अपने को डेंटल फ्लोरोसिस मिलेगा, एडल्ट के अंदर स्केलेटन फ्लोरोसिस मिलेगा और जो नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस के अंदर क्या होता है, डेंटल फ्लोरोसिस होता है चिल्ड्रन लिविंग इन हाई फ्लोराइड जोन आर द बाउंड टू गेट डेंटल डिस्कलरेशन विच मे बी सीन इवन अ डिसाइडेड टीथ। जो चिल्ड्रन होते हैं अगर वो इंटेक ज़्यादा करते हैं फ्लोराइड का या उस जोन के अंदर फ्लोराइड ज़्यादा आता है तो उनके टीथ पे अफेक्ट पड़ता है। इनिशियली वाइट टीथ बिकम डल एंड येलो वाइट स्पॉट अपीयर इन द सरफेस ऑफ द, जो टीथ होते हैं वो अपने वाइट से येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस पर स्पॉट दिखने लगते हैं। ग्रेजुअली दिस स्पॉट टर्न ब्राउन एंड प्रेजेंट इट इज़ अ ब्राउन स्टिक विद द क्लोजर ऑफ द टिप ऑफ द टीथ। इन द लेटर स्टेज के अंदर जो होल टीथ होते हैं बिकम ब्लैक हो जाते हैं। टीथ मे बी पिटेड एंड परफॉर्म एंड मे इवन गेट चीपर ऑफ इट। एंडेमिक जोन पीपल्स लूज दे टीथ एंड अर्ली एज एंड मे बिकम एंटेड। जैसे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था जो टीथ है अपने वो अपने को धीरे धीरे, जैसे टीथ की चमक कम होती है जैसे वो सफ़ेद धब्बे होते हैं तो उससे मॉडलिंग, उसको फ्लोरोसिस के ये पहला लक्षण है। लेटर ऑन में ये येलो स्टेज में चले आ जाते हैं। फिर जो अपनी एनेमल होती है आउटर लेयर होती है उसमें अपने छेद पोर्स आ जाते हैं और बाद में ये पीटिंग ये एडल्ट में ज़्यादा चिल्ड्रन में कम होते हैं। नेक्स्ट अपन जैसे अपन ने डिस्कस किया डिग्री ऑफ द डेंटल फ्लोरोसिस, दे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखा वेरी माइल्ड स्लाइटली मॉडलिंग ऑफ द टीथ होगा। नेक्स्ट इसमें मॉडरेट अवे मॉडलिंग ऑफ द टीथ हो जाएगा। फिर इसमें येलो कलर के या सीवियर मॉडलिंग ऑफ द टीथ होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्केलेटन फ्लोरोसिस। स्केलेटन फ्लोरोसिस में क्या होता है, इट अफेक्ट यंग एज वेल एज ओल्ड। द सिम्टम इंक्लूड सीवियर पेन होगा, स्टिफनेस ऑफ द बैकबोन जॉइंट्स, रिजिडिटी ऑफ द हिप बोन। अपन इसमें जैसे अपन इसमें देखते हैं बोन के अंदर अपने को लॉन्ग टाइम में फ्लोरोसिस, अगर इसमें इसको बोन में चेंजेस आएंगे जो गर्दन अपनी नेक है अपनी बैक एक है उसमें मोड़ने में प्रॉब्लम होगी। अगर एक्सरे अपने कराएंगे तो उसमें फाइंड आउट होगा कि जो बोन है उसमें थिकनेस आ जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और जो कैल्शियम डेफिशिएंसी ऑस्टियोमलेसिया वो टाइप इन चेंजेस दिखना लगेगा। कॉन्स्टिक ऑफ वर्टिबल कैनाल एंड इन वर्टिबल फोरामेन, प्रेजेंस ऑफ द नर्व लीड टू पैरालिसिस। इसको अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो इंटरवर्टिबल जो फोरामेन है उसको लीड कर देगा, वो पैरालिसिस होने के चांसेस है। नेक्स्ट जैसे अपने एग्जाम्पल इसमें डायग्राम में दिखाया है जो स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है, जो उनकी जो लैग होती है वो कमज़ोर हो जाती है अगर फ्लोरोसिस हाई इनटेक करते हैं वाटर के अंदर लॉन्ग टाइम, अगर अपने उसको ट्रीटमेंट नहीं कराते तो बोन में चेंजेस आ जाते हैं
उनकी नेक, उनकी बैक के, उसमें अगर अपने इसमें एक्सरे कराते हैं तो अपने को फाइंड आउट होता है। ज़्यादातर ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में देखा गया है, जो लैक है वो नोक की जैसा हो जाता है, जो बोन वीक हो जाती है, और इसमें वेंजुलेगम फिर वो लास्ट स्टेज में बेड पे पेशेंट आ जाता है। देखते हैं नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस। नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस, दीज आर द कन्वर्जिंग एविडेंस ऑफ इनवॉल्वमेंट ऑफ स्केलेटन मसल्स, इरिथ्रोसाइट, जीआई, म्यूकोजा, लिगामेंट, स्पर्मेटोजोवा कंज्यूमिंग मोर देन ऑप्टिमम इनटेक ऑफ फ्लोराइड। अगर इन स्केलेटल मसल है, इरिथ्रोसाइट है, म्यूकोजा है, लिगामेंट है, और इसमें अगर फ्लोराइड का ज़्यादा इनटेक होता है तो उसमें क्या होता है, अर्ली स्टेज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड सॉफ्ट टिश्यू का मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। जो फ्लोराइड मसल्स है वो एक्टिन या मायोसिन फिलामेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो लूज स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी एविडेंस डिप्लीशन ऑफ द मसल्स एनर्जी, वो अपने मसल्स में ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा डिप्लीकेशन की वजह से। एथोसाइट, जो मेम्ब्रेन है वो लूज इन कैल्शियम कंटेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई फ्लोराइड। जो नॉन अल्सर डिस्पेप्टिक कंप्लेन मैनिफेस्टेशन है, कंज्यूमिंग वो हाई फ्लोराइड इन द वाटर एंड द फूड के अंदर। जैसे हमने डायग्राम में देखते हैं, यूनिसेफ ने जो क्लिनिकल टेस्ट दिया है उसमें थ्री सिंपल क्लिनिकल टेस्ट है, फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन मतलब आगे फॉरवर्ड करना है, चिन टू चेस्ट टेस्ट मतलब जो अपने चिन है उसको चेस्ट से जोड़ना है, हैंड ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब, जो अपने हैंड है उनको ऑक्सीपिटल लोब पे लगा के देखना है। नॉर्मल पर्सन कैन डू, अगर इसमें अगर जिसमें फ्लोराइड की कमी नहीं है पेशेंट में, उसको तो नॉर्मली टच कर लेगा नहीं, और जिसमें है तो वो पर्सन टच नहीं कर पाएगा, जो भी बोन या उसमें अफेक्ट आएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं टेस्ट ऑफ द स्केलेटन। इसमें पहला कराता है कॉइन टेस्ट। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू लिफ्ट अ कॉइन फ्रॉम द फ्लोर विदाउट बेंडिंग द नी। अ फ्लोरेटिक सब्जेक्ट शुड नॉट बी एबल टू लिफ्ट द कॉइन विदाउट फ्लेक्शन द लार्ज जॉइंट इज द लोअर एक्सट्रीमिटी। नेक्स्ट अपन देखते हैं चिन टेस्ट। चिन टेस्ट के अंदर द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टच द एंटीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट, मतलब जो उसके एंटीरियर वॉल है उसको चेस्ट को चिन को टच करेगा, एंड द पेन और स्टिफनेस इन द नेक इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोसिस। अगर वो अपनी नेक चिन को चेस्ट पे टच करता है तो उसमें अगर स्टिफनेस होता है तो वो इंडिकेट करता है पेशेंट में फ्लोरोसिस है, फ्लोरोसिस की मात्रा इंक्रीज है। स्ट्रेस टेस्ट के अंदर द इंडिविजुअल मेड अ स्ट्रेस द आर्म साइड वे फोल्ड द एल्बो एंड टच द बैक ऑफ द हेड। वेन देर इज अ पेन एंड स्टिफनेस इट वुड नॉट बी पॉसिबल रीच द ऑक्सीपिट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोसिस। अगर वो असल इसमें एग्जाम बताया गया है कि स्ट्रेस टेस्ट के अंदर जो आपकी आर्म है उसको साइड वे करके, जो आपके फोल्ड मतलब फोल्ड जो एल्बो है उसको फोल्ड करना, टच द बैक आपके बैक ऑफ द हेड जो बैक है उसको हेड तक ले जाना एंड को। वेन द पेन, जब आपको पेन या स्टिफनेस होता है, स्टिफनेस इट वुड नॉट बी पॉसिबल रीच ऑक्सीपिट इंडिकेट प्रेजेंस। अगर वो अपना हाथ है जो ऑक्सीपिटल लोब तक नहीं पहुंचता है तो इंडिकेट करता है पेशेंट को फ्लोरोसिस है, प्रेजेंट है। हाउ डज फ्लोराइड ट्रीटमेंट प्रिवेंट टूथ एंड डिकेड। इसको अपने इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं प्रिवेंटिव। सबसे पहले अपन ने देखा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लोराइड कम है उस पानी को ज़्यादा इनटेक करना। ह्यूमन टीथ एंड बोन प्राइमरी कंपोज ऑफ द मिनरल कैल्शियम हाइड्रोक्सीसिपिटेट। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपिटेट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ मिनरल इन द हाइड्रोक्सी फ्लोराइड सब्सटेंस इन द हाइड्रोक्सी प्रोड्यूस कैल्शियम फ्लोरोपेट विद द कैल्शियम फॉर्मूला। कैल्शियम केमिकली सब्सटेंस दैट्स केमिकल हाइड्रोक्सी एक्सिड एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी। द मीन डेट द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम टूथ एनिमल डिक्रीजेज टूथ डिजोल्व एंड दे आर द डिक्रीज इन द टूथ डिकेड। इसमें यह बताया है कि अपने को कम से कम जो फ्लोराइड वाटर उसको कम इनटेक करना है, जिसमें मिनरल एंड वाटर 1 लीटर के अंदर 1 मिलीग्राम से कम हो। फ्लोराइड से सुरक्षित मतलब जो पानी ले रहे हैं वो फ्लोराइड से साफ सुथरा हो, उसका डीफ्लोराइजेशन हुआ हुआ हो, जिसमें फ्लोराइड की जो मात्रा है आइए अपने जो फ्लोरीन की जो अतिरिक्त मात्रा है उसको पानी से निकाला जाए। जैसे एग्जांपल अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं
जैसे अपन प्रिवेंशन देखते हैं, सिंस द मेजर सोर्स ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, डीफ्लोराइजेशन इज द बेस्ट प्रिवेंशन मेजर विच कैन बी कैरी आउट एट डोमेस्टिक एज वेल एज कम्युनिटी लेवल। जो डीफ्लोराइजेशन है वो अपने घर या कम्युनिटी में अपन करके देख सकते हैं प्रिवेंशन। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन लाइक हाई इंटेक ऑफ विटामिन सी एंड कैल्शियम एंड हेल्प टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। अगर अपन डाइट के अंदर हाई इंटेक ऑफ विटामिन सी एंड कैल्शियम देते हैं तो फ्लोरोसिस से काफ़ी हद तक अपने इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अब अपन देखते हैं डीफ्लोराइजेशन कैसे होता है। पार्टिसिपेट मैथड आर द कॉमनली यूज इन डीफ्लोराइडेशन लाइम ट्रीटमेंट कंटिन्यूस यूज टू हार्डनेस ऑफ रिमूव कैन बी रिमूव फ्लोराइड पर्टिकुलरली वेन वाटर इज हैविंग हाई मैग्नीशियम हार्डनेस। एल्यूमिनियम एलम इज यूज टू ए डोमेस्टिक हाई डस्ट टू रिमूव फ्लोराइड। इन इंडिया साइंटिस्ट हैव डेवलप अ मैथड हाउ एज अ नेलकोनेट टेक्निक इन विद बेस्ड अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर लेकिन द वाटर एक्सप्रेस मैग्नीशियम कैल्शियम अमंग द एमल इन मिक्स इन वाटर रिंस अदर फिल्टर बेड आर द अवेलेबल फिल्टर थ्रू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन वाटर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो फ्लोराइड की अतिरिक्त मात्रा है उसको अपन को पानी से कैसे निकालना है ये अपने घर एंड कम्युनिटी लेवल पे कर सकते हैं, जिसमें पानी या फिटकड़ी की मात्रा को 10 मिनट के लिए 10 मिनट तक सुरक्षित रख के जो अगर जो बंदे चाय कम यूज़ करे तो उसे अवेयरनेस करना पेशेंट को और घरेलू स्तर पर भी अपने ये कर सकते हैं। थैंकिंग यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग इस फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में अपन ने डिस्कस किया कि फ्लोरोसिस होता क्या है। फ्लोरोसिस के अंदर जो आपके फ्लोरीन होता है वो अपने बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए और उसके रखरखाव के लिए एंड उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जो इसकी मात्रा अगर एक्सेसिव हो जाती है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर से अपन लब लेते हैं तो ये अपने दांतों को सड़ा देता है और अपने डेंटल कैरी कर सकता है और भी लंबे टर्म तक इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो अपने एनिमल है उसमें भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। थैंक यू।